हेलो हाय गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम मॉम। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से लक्षण या कौन से साइन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है एंड अब उन्हें हॉस्पिटल बैग लेकर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि वो पांच कौन से साइन हैं जो मैंने भी पर्सनली फील किया। तो चलिए मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी आज। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जिस दिन से आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप जब डॉक्टर से मिलती हैं तो वो आपको एक ईडीडी देता है, यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट वो देता है। यानी कि ये एक संभावित डेट है कि इस डेट को आप माँ बनेंगी। यानी कि पूरा जो कैलकुलेशन होता है वो टोटली 270 डेट का होता है और पूरे मतलब कि 9 मंथ का कैलकुलेशन होता है कंप्लीट। तो एक चीज़ें मैं यहाँ और आपसे कहूँगी कि जो संभावित डेट जो ईडीडी दी जाती है उस डेट पे ओनली 5% या 4% बच्चे ही जन्म लेते हैं, बाकी बच्चे या तो पहले हो जाते हैं या फिर बाद में होते हैं। तो जो डिलीवरी होती है वो डिलीवरी कभी कभी 7 मंथ पे होती है, कभी 8 मंथ पे होती है, कभी 9 मंथ पे हो जाती है या फिर लास्टली 42 वीक तक जाती है किसी भी लेडी की प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी 42 वीक तक जा चुकी है तो आपको जरूर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये लास्ट पॉइंट होता है 42 वीक। मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 39 वीक पे हो गई थी मेरी डिलीवरी, यानी कि 39 वीक स्टार्ट हुआ, 1 या 2 ऐसे ही दिन गए होंगे जब मेरी हो गई थी डिलीवरी। तो हम ये जानेंगे कि वो टॉप 5 कौन कौन से साइंस हैं। पहला हम लेंगे एब्डोमिनल पेन। तो इसमें क्या होता है कि जो पेन होता है वो पेन आपको बैक से स्टार्ट होगा और फ्रंट तक आएगा, ये आपका एब्डोमिनल पेन होता है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। हालांकि एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जो लेबर पेन होता है वो फॉल्स भी होता है कई बार। तो जब भी आपका लेबर पेन फॉल्स होगा, अगर आपको ऐसा लगे कि पेन आ रहा है और टाइम आपका भी पूरा नहीं हुआ है तो आप क्या करें, उठकर टहलने लगे या कुछ खा पी ले तो वो पेन रुक जाता है। कई बार अगर पेन रुक जाता है तो वो फॉल्स पेन है। अगर आपके टहलने के बाद कुछ खाने के बाद अगर पेन नहीं रुक रहा है तो वो आपका ट्रू पेन है, यानी कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है। तो एक बार मैं ये बताना चाहूँगी कि पेन कैसा होता है। जो पेन है आपको स्टार्टिंग में 15-20 मिनट पे एक पेन आएगा, यानी कि 30 सेकंड का पेन आएगा। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि आपको 10 मिनट पे फिर 30 सेकंड का पेन आता है, फिर 8 मिनट पे 30 सेकंड का, फिर 7 मिनट पे 30 सेकंड का। तो ऐसा होता है कि कई बार आपको 10 मिनट जब होने लगता है तो 10 मिनट के अंदर अगर आपको 3 बार पेन आ रहे हैं और जो पेन है वो 30 सेकंड नहीं 60 सेकंड का आ रहा है, यानी कि पेन का टाइमिंग बढ़ गया और जो गैपिंग थी, पहले गैपिंग 15-20 मिनट की थी, फिर 10, फिर 8, 7 मिनट, लास्टली 10 मिनट के अंदर 3 बार आपको पेन हो रहा है 60 सेकंड का, तब आप समझ जाना कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। और ये पेन हर किसी को अलग टाइप का आता है। मुझे पेन पीरियड जैसा पेन आया था जो मैं यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ। अब उम्मीद है आप लोग डिफरेंस निकालेंगे कि फॉल्स पेन क्या है और ट्रू पेन क्या है। हाँ, जो दूसरा हम लेंगे वो है आपका जो जिस फ्लूइड में बच्चा रहता है उस फ्लूइड का लीक होना। अगर वो फ्लूइड लीक हो जा रहा है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। वो फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें बच्चा रहता है उस वो फ्लूइड कभी भी लीक हो सकता है, यानी कि लेबर पेन आने के पहले भी लीक हो सकता है और लेबर पेन होने के बाद भी, यानी कि स्टार्ट हो गया है उसके बाद भी हो सकता है। मैं अपनी केस बताऊं तो मुझे वाटर लीकेज वाटर ब्रेक मेरा नहीं हुआ था, मेरा लेबर पेन पहले हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई लेबर पेन होने के बाद, उसके बाद डॉक्टर ने बाई इंस्ट्रूमेंट यानी कि मैनुअली मेरा वाटर ब्रेक किया। तो कई सारे तरीके होते हैं जो आपको डॉक्टर बता देंगे इजीली। दूसरा हो गया। तीसरा चीज ये हुआ कि अगर आपको विजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, अगर आपका म्यूकस प्लग रिलीज हो गया है तो आप जरूर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर, या तो उस दिन या तो 1-2 दिन के अंदर में, या फिर मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि 7 दिन लग जाते हैं उसके अंदर में आपका डिलीवरी हो जाता है।
तीन चीजें हो गई। चौथी चीज हम ये लेंगे कि जो बच्चा होता है वो पेल्विस रीजन में आ जाते हैं, यानी कि सबसे नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो नसें होती हैं वो दब जाती हैं और लेबर पेन में आपको और झटके जैसा कई कई बार दर्द फील होता है, क्योंकि बच्चे का पूरा वेट एकदम नीचे चला जाता है और आपके पेट का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो खाली खाली सा हो जाता है। इससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि हाँ अब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, अब बेबी आप डिलीवर कर देंगे। लास्ट चीज़ें मैं ये कहूँगी कि जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है उस टाइम में जो बच्चे का मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बच्चा कम मूव करता है। तो बच्चा अगर आपका कम मूव कर रहा है, टाइम पूरा हो गया है, तो आप एक बार ट्राई कर ले, अगर आप कोई मीठी चीज़ें खा रही हैं, बच्चा का मूवमेंट चलने लगा, फिर से बच्चा मूव कर रहा है, तो यानी कि ये लेबर पेन स्टार्ट का साइन नहीं है। अगर बच्चा इसके बाद भी मूव नहीं कर रहा है, आपका टाइम पूरा हो गया है, तो आप जरूर देर नहीं करें, जरूर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए।